इधर राजकुमारी कल्पलता भी दानवों से घिर जाती है। दानवों का आक्रमण शुरू हो गया। कल्पलता उन्हें मारना शुरू करती है। दानव रथ के सारथी की हत्या करता है। कई दानवों ने राजकुमारी कल्पलता के रथ पर हमला कर दिया। कल्पलता उनमें से प्रत्येक को तलवार से काट देती है। एक दानव रथ के पीछे से आता है और कल्पलता की टांग खींच लेता है। कल्पलता अपनी तलवार से वह दानव की गर्दन उड़ा देती है। दानव निरंतर आक्रमण करता है, मगर कल्पलता हर रण कौशल में माहिर है। लाशों के अंबार के बीच कल्पलता विजय नाद करती खड़ी होती है। तभी बौना हैवान उड़ता हुआ कल्पलता के रथ की ओर बढ़ता है। कल्पलता ताकतवर बौने के साथ रण के लिए सज होती है। राजकुमारी छोटा हैवान की राक्षसी अंडे पर प्रहार करने का भयानक परिणाम जानती थी। बौना हैवान अब कल्पलता पर राक्षसी अंडे प्रहार करता है। राजकुमारी कल्पलता बड़ी होशियारी से राक्षसी अंडों को गदा के विशेष कोण के प्रहार से बिना फोड़े निष्क्रिय करती है। कल्पलता फिर गदा घुमाकर बौना हैवान पर प्रहार करती है। बौना बेहोश होता है। थकी हुई कल्पलता रक्षा और तारा की स्थिति को देखने की कोशिश करती है। अचानक भाले से घायल डरावना हैवान कल्पलता के पीछे प्रकट होता है। हैवान कल्पलता को उत्पीड़न करना शुरू कर देता है। अचानक हुए आक्रमण को कल्पलता तैयार नहीं थी। कल्पलता मुक्त होने के लिए छटपटाती है। ये वही हैवान था जो कंकाल राज के आदेश पर निर्दोष कन्याओं को हवस का शिकार बनाकर वीभत्स हत्या करता था। कल्पलता कोई पर पुरुष का स्पर्श ही बर्दाश्त नहीं करती थी। इस हैवान ने तो उसको प्रताड़ित किया। कल्पलता को भयंकर क्रोध आ गया। क्रोधित कल्पलता की शक्ति हैवान को रथ के नीचे फेंक देता है। हैवान के संभलने से पहले ही कल्पलता भाला प्रहार करके हैवान का सीना छेड़ देती है। रणचंडी सी बनी राजकुमारी कल्पलता नंगी तलवार लेकर रथ से कूद जाती है। काल बनकर कल्पलता धीरे धीरे हैवान के नजदीक जाती है। फिर बेरहमी से कल्पलता तलवार से हैवान का गर्दन रेत डालती है। राजकुमारी का सुंदर चेहरा हैवान के रक्त से नहा जाता है। अंततः एक नरपिशाच का अंत हो जाता है।